हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट जो लास्ट क्लास एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसका एक और क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं कि सेकंड टाइप का क्या क्या एरर्स हो सकता है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, तो उसके बाद हम लोग का पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। जैसे एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 30,000, 15,000 एंड 15,000। एज पर पार्टनरशिप डीड सी अलाउड सैलरी, क्या हो रहा है, सी को सैलरी मिल रहा है, मतलब देना था कितना, 3,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पूरे पार्टनरों को 5% पर एनम। प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:2:1। ये पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स लोग बनाया है, बट हो क्या गया है, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, ये चीज को प्रोवाइड किए ही नहीं, इसको इग्नोर कर दिया। एक ऐसा अकाउंटेंट को हम लोग काम दिए जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। प्रॉफिट जो 18,000 है उसको इक्वली पार्टनरों के बीच डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब क्या करना है, हम लोगों को करेक्ट करना है। तो इससे क्या हुआ होगा, किसी पार्टनर को ज्यादा मिलना था उसको कम मिल गया होगा, और जिसको कम मिलना था उसको ज्यादा मिल गया होगा। तो दैट इज द पॉइंट कि हम लोगों को बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कि क्या प्रॉफिट किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया और क्या प्रॉफिट किसी पार्टनर को कम मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम लोग बोलेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर गलती क्या हो गया है, रॉन्ग वाला को, फिर उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा, जो आप लोग को पहले ही बताया, जो डिफरेंस आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। तो किसी को ज्यादा मिल गया होगा तो उससे ले लिया जाएगा, और जिसको कम मिल गया होगा उसको दे दिया जाएगा। यही निकालना है कि विच अमाउंट्स आर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। आइए शुरू करें। तो पहला नंबर, एक टेबल बना लेना है पार्टिकुलर फॉर जितने पार्टनर है वो और एक टोटल। उसके बाद करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या क्या मिलना था, सी अलाउड सैलरी 3,000। तो यहां पे लिख दो सैलरी टू सी, तो सी को सैलरी दे दो 3,000, क्रेडिट होगा, जो करेक्ट होगा वो क्रेडिट होगा, जो करेक्ट। ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। तो पार्टनरों को जो सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो क्या होता है, करेक्ट। और जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको क्या करते हैं, रॉन्ग। तो करेक्ट वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और जो रॉन्ग वाला होगा हमेशा क्या होगा, डेबिट। ये आपको ध्यान देना है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% भी देना था, वो भी नहीं दिए हैं। इसका 5%, इसका 5%, इसका 5% निकाल लो। सेकंड पॉइंट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो 5% निकालो ना 30,000 का। और 15,000 का, 15,000 का। तो यहां भी हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि ये करेक्ट वाला है। टोटल 3,000 और मिल गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 18,000। उसमें से कितना अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर देना था, 6,000। तो अब रह कितना गया, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जैसा आप लोग पता है, आप लोगों को पता है। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू और ट्रांसफर इन 2:2:1। तो कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों, 12,000। कैसा है 12,000, टोटल प्रॉफिट कितना था, उसमें से ऑलरेडी सैलरी और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हमने कितना प्रोवाइड करवा दिया, 6। तो कितना अभी भी बाकी है, इसको बांटना था कैसे। एक तरह से ये इनडायरेक्टली, अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बन रहा है। दूसरे फॉर्म क्रेडिट, तो बांट दो कितना,
12,000 का 2/5, तो 12,000 का 2/5 4,800 क्रेडिट, 4,800 क्रेडिट, 2,400 क्रेडिट, तो ए नंबर इन लोगों को करेक्टली कितना मिलना चाहिए था, 0,0,3,6 क्रेडिट, इसको कितना मिलना चाहिए था 0,5,5,5 क्रेडिट, इसको कितना मिलना चाहिए था 0,5,4,7,11,6 क्रेडिट, टोटल कितना प्रॉफिट बांटना चाहिए था 18, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्या पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरों को प्रॉफिट मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ये मिलना चाहिए था, बट मिल क्या गया है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1 इक्वल बांट दिया, तो 18,000 को इक्वल बांट दिया डेबिट 6,000 और 6,000, तो ये क्वेश्चन ये कैलकुलेशन क्या किया एक बार समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरों को ए बी सी को प्रॉफिट कैपिटल दिया हुआ है उन लोगों का 30, 15, 15, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सी को सैलरी मिलना चाहिए था 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 5%, और जो प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल उसको 2:2:1 में डिवाइड करना था, बट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स बट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट जो 18,000 है डिवाइडेड इक्वली बांट दिए, तो हुआ क्या पहले हम लोग करेक्ट जो मिलना चाहिए था वो बांट लिए, सैलरीज को दे दिए क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको बांट दिए, तो टोटल 18,000 में ए को मिलना चाहिए था 6,300, बी को मिलना चाहिए था 5,550 और सी को मिलना चाहिए 6,150, तो ये मिलना चाहिए था, हुआ क्या ये मिला नहीं, गलत क्या हो गया कि इक्वली बढ़ गया 18,000, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग वाला डेबिट करेक्ट वाला क्रेडिट, अब जो डिफरेंस आएगा ए माइनस बी, तो 300 ए को और दे देंगे, साइन कौन सा बड़ा है क्रेडिट का साइन बड़ा है, तो क्रेडिट बी को 450 कर देंगे, डेबिट का साइन बड़ा है डेबिट और 150 क्रेडिट का साइन बड़ा है तो 150 क्रेडिट, तो इस तरीके से हम लोगों को ए को और देना होगा क्रेडिट करना होगा 400 और सी को क्रेडिट करना होगा 150, किससे लेकर बी से लेकर, क्योंकि बी को गलती से ज्यादा मिल गया है, तो देखो उसका एक एडजस्टेड जर्नल एंट्रीज होगा, ये होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पुट कर दो 450, 300 और 150, ये हो गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री, ये सॉल्यूशन, ये कहा ये क्या है इसका कंसेप्ट क्या है कि जिसको कम मिल गया है ए को 300 कम मिला है तो उसको दे दिए प्रोवाइड करवा दिए, प्रॉफिट है ए का बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिए, सी को 150 क्रेडिट कर दिए क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, और वो दोनों किसको प्रोवाइड कर रहा है मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है बी, तो बी से लेकर जिन लोगों ने दे दिए हम लोगों का करेक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से कर दिया जाए तो उसको करेक्ट ऐसे करते हैं, टेबल बनाते हैं देयर आफ्टर एक जर्नल एंट्रीज कर देते हैं, ये हम लोग का सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये वर्किंग नोट है और ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्रीज है।
आई होप आप लोगों को बात समझ में अच्छे से आ गया हो, तो प्लीज इस पे एक बार पढ़िए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और जो प्रॉब्लम होगा आप लोग हम सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।